कोई बात नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारे फल मिलते हैं। हमारे शहर के लोगों ने देख लिया होता तो कब के निकाल कर बेच दिया होता। कौन है आप, यहाँ क्या कर रहे हैं? बाप रे बाप, तुम तो एक लड़की हो, मैं समझा कोई जेल पर ही है, पर एक खूबसूरत लड़की तुम जंगल में क्या कर रही हो? अरे ये तो मेरी ही जगह है ना। वो तुम्हारी जगह है, अच्छा हुआ। अगर इस जगह को हमारे लोगों ने देख लिया होता ना, पिकनिक स्पॉट बोलकर प्लॉट बनाकर कब के बेच दिए होते। पर बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है? जागृति। जागृति, वाह, थोड़ी सी आकर मेरी जिंदगी में खुशियां लाओ ना सुंदर परी। मुझे क्यों बुला रहे हो? इसलिए क्योंकि ये फल मुझे खाना है। फल खाना है? वो तो उस तरफ बहुत है। तो चलो ना, मिलकर तोड़ते हैं। चुप चुप, तो क्या हुआ? हमारे रिवाज के अनुसार जो भी मेरी कलाई पकड़ेगा वही मेरा पति होगा। तुम कभी बस या ट्रेन में जाना मत। हाँ? लाखों आदमी तुमको धक्का देंगे तो क्या वो सब तुम्हारे पति हो जाएंगे? क्या बेवकूफ की तरह बोल रही है? अब तुम शादी करोगे या अपने लोगों को बुलाऊं मैं? ए, तुमसे ही डर लग रहा है, तुम्हारे आदमी तो और भयानक होंगे। वहाँ दो दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये फल ले जाकर उनको दे कर आता हूँ, फिर शादी करूंगा। सच कह रहे हो ना? तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा लगता है तुम्हें? तो फिर चलो। अरे जरा वहाँ देखिए। अरे नहीं यार टंगा, तुम चल बसे क्या? रात को कह रहा था शेर हड्डी को नहीं खाता है और अब कुत्ता खा रहा है। हमें छोड़ के चला गया यार। कहाँ चले गए यार हमें छोड़ के? वहाँ देखिए तो। अशोक, टंगा, पर मैं क्यों मरूं? हम तो सोच रहे थे ये तेरी हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ इंसान की है क्या? बैल की हड्डी कौन सी है और इंसान की हड्डी कौन सी, ये भी अगर तू पहचान नहीं सकता है तो मुझे तो लगता है कि मुझे तुझे पहले ही सिखाना होगा। फालतू पूछताछ करने से पहले तुम ये सब खा लो। वो तो ठीक है, पर इतनी देर तक कहाँ थे और इतने फल कहाँ से लाए? जंगल में अंदर गया था, काफी फल लटक रहे थे, ये लो केले खा लो। लो अरे यार, फल तो जंगल से मिले, ये थाली कहाँ से मिली? मुझसे पहले यहाँ कोई भीख मांग रहा था, उसकी थाली में छीन के लाया हूँ। सवाल मत पूछो यार, खाने का काम करो ना। चुपचाप हम तीनों लोग राम लक्ष्मण सीता की तरह यहीं जिएंगे, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो 16 साल की तो लगेगी। पर क्या है, अपने साथियों के लिए वहाँ जो एक गैरेज है, जरूरत पड़ी तो उन्हें भी बुलाएंगे। कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर है, जंगल में क्यों गा रहा है? ये तो जंगली लोग आ गए। कौन है वो? यही है। मैं नहीं हूँ। ए, आप लोग कौन है? जंगल का राजा। चुप रहो यार, इस आदमी को क्यों डरा रहे हो? इस आदमी ने हमारी जंगल की लड़की को फंसाकर उससे फल तुड़वाया है। तो उसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आप तीनों को पकड़कर सरदार के पास ले जाएंगे। और इन्हें क्या करोगे? इनको तो पालकी में ले जाएंगे और आप लोगों को पैदल चल के जाना पड़ेगा। इन्हें पालकी में क्यों ले जाओगे? हमारे जंगल में जंगल के दूल्हे को पालकी में बैठाकर ही ले जाते हैं। क्या मैं जंगल का दूल्हा? हाँ, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, उठाओ दूल्हे राजा को, बैठाओ पालकी में, उठाओ। चलो, मैं आता हूँ। ए, रुको, अंदर जाता हूँ। ए, जरा कम हिलाओ, मेरे कमर में दर्द है बहुत। कहा ना मैंने, मुझे डर लग रहा है, हिला मत। हमें यहाँ इस तरह क्यों बांध रखा है? इसने हमारी कन्या जागृति को छुआ है। हमारे कुल के हिसाब से अब इसका विवाह उसी के साथ होगा। ऐसी बात है, मुझे अगर पहले से मालूम होता तो मैं ग्लव्स पहन के आता था ना। जंगल में एक लड़की को छुआ, इसके बारे में बताया क्यों नहीं? लड़की को छू लिया तो ऐसा क्या बड़ा पाप किया? क्या बक रहे हो? ए, हम अपनी कन्या के साथ इंसाफ करेंगे। क्या बात कर रहा है, क्या करेगा रे तू मोटे? तुम तीनों की चमड़ी निकाल कर उसे तेल में तलेंगे। क्यों यार, ये लोग सुना था कि सुधरेंगे, लेकिन सुधरे तो नहीं है। चुप रहो, शुभ कार्य आरंभ किया जाए।